बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको टूल्स कहने जा रहा हूँ। क्राउन स्टैम्प टूल है ये, ठीक है? तो इसका थोड़ा आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड से सिंपली की इसकी एस भी है, फर्ज करें मैं ये यहाँ पर क्लिक किया हुआ है मैंने, ठीक है? तो सिंपली मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है टूल, ओके? तो अब मैंने आर्ट का बटन प्रेस करके रखना है। यार ये क्या हुआ? अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला सेलेक्ट था टूल, ये पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट था पहले, तो अब मैंने ऊपर वाला ही सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? क्लोन स्टैम्प टूल। अब मैंने आर्ट का बटन प्रेस किया तो ये देखें माउस की शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। तो यहाँ से मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने ले लिया कलर, ओके? इसका साइज मैं बढ़ा कर देता हूँ सिंपली। ये लो भाई, ये एक और इमेज आ गई है सेम टू सेम यही। फिर से मैं इसको सेट करूँगा और अब यहाँ पे ये देखें बिल्कुल क्लियरली है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही हैं इस तरह। नो ओ भाई, इधर भाई रहने दूंगा। नो दोबारा ये चीज़, और फिर से ये सेट किया उसको यहाँ पे। नो तो यहाँ से इस तरह काफ़ी सारी रस्सियाँ बन गई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भाई आपने भी सेम टू सेम ऐसे बना लेनी है। ये लो भाई, ओके हो गया। आप एक पिक्चर से काफ़ी पिक्चर्स बना सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के ज़रिए। तो जस्ट हमने एक को सेट करना है और बाद में दूसरी जगह उसी को हमने ब्रश को घुमाना है तो वो बन जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद अभी हम करने वाले हैं पैटर्न स्टैम्प टूल, ओके? फिलहाल इनको थोड़ा रश कम कर देता हूँ इनका, तो एक ही रहने देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल पे। तो ये देखें यहाँ से एक कलर भी है, ये डिफरेंट कलर भी है, ये कलर भी आप करना चाहें कर सकते हैं इस तरह। इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड बड़े अच्छे वाला वैसे बन गया है इसका भी। ये चीज़ इस तरह आप ये कलर भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये कलर बनाना चाहें तो ये भी बन सकता है। ये चीज़ ओके हो गया। तो इस तरह और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ है। ये चीज़ इनके डिफरेंस आप कलर भी इससे यूज़ कर सकते हैं जो इसमें दिए गए हैं, तो बस वही यूज़ करेंगे और ज़्यादा वाले नहीं हैं। ये देखें अच्छे से बन गया, बड़े ज़बरदस्त सिंपली बैकग्राउंड भी बन जाता है इसके साथ, ठीक है? ये चीज़ ओके, तो समझ इसकी लगी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो भाई लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।